वेरी गुड मॉर्निंग जागो लाहौर के साथ मैं हूँ सैयदा अरमला हसन। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और कल छुट्टी है, इस बात की खुशी मुझे बहुत ज़्यादा होती है। सैटरडे है जनाब, वीकेंड है और बहुत सारे लोगों की बहुत सारी प्लानिंग्स है। हमेशा की तरह वीकेंड पे वैसे प्लानिंग बढ़ जाती है और जब इतनी अच्छी मूवीज़ लगी हों सिनेमा घरों में तो आपकी कोशिश होती है कोई एक आध प्लान तो बन ही जाए वीकेंड पे। आज मैं सुबह आई तो घर पे सब ने हाथ खड़े किए हुए थे कि हम जा रहे हैं, सब कह रहे थे कि अच्छा हमने फलानी जगह जाना है, हमने फलानी जगह। मैंने कहा चले फिर मैं भी आराम तसल्ली से ऑफिस से घर आऊँगी क्योंकि वीकेंड मेरा भी है, ज़ाहिर है सिर्फ इन लोगों का वीकेंड तो नहीं है। तो इस तरह बहुत सारे लोग जो है प्लान करे होंगे कहीं ना कहीं जाने। तो जनाब आप वीकेंड अच्छे से गुजारें और अल्लाह करे मौसम अच्छा हो जाए तो वीकेंड आपका और भी अच्छा हो जाएगा, इस बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले रिसर्च आपके साथ शेयर करते चले और आपको बताएं कि लातादाद सुपरहिट ड्रामों की जो मुसन्निफा हैं, नावल निगार हैं फातिमा सुरैया बजिया, उनकी आज 88वीं जो है वो सालगिरह है और इसके हवाले से गूगल ने भी पाकिस्तानी लेजेंड को खराज तहसीन पेश करने के लिए डूडल चेंज किया है। फातिमा सुरैया बजिया के हवाले से बात करेंगे लेकिन उससे पहले एक पैकेज है आपको वो दिखाते हैं। अदब की दुनिया में अहद का दर्जा रखने वाली मरहूमा फातिमा सुरैया बजिया, उर्दू अदब के दामन को नायाब फन पारों से भरने वाली अजीम मुसन्निफा की सालगिरह पर गूगल ने भी अपना डूडल जारी किया है। यकुम सितंबर 1930 को हैदराबाद दक्कन में पैदा होने वाली फातिमा सुरैया बजिया के लिखे घरेलू ड्रामे हर दौर में सबकी पसंद रहे। भैया एक तो आप हैं झपकी वकील, ऊपर से हैं लंडूरे, अगर शादी कर ली होती ना तो ये बदहवासियां ना करते ना ये बेमानी करते। शादी का शतरंज से क्या ताल्लुक है? बहुत ताल्लुक है, बहुत ताल्लुक है। बजिया का ये कारनामा हमेशा याद रखा जाएगा कि उन्होंने ही मतबुआ नॉवेल्स को ड्रामाई तश्कील की सूरत बख्शी और अपने नाजरीन को शमा, अफशां, अना, तस्वीर और उरूसा जैसे यादगार ड्रामे दिए। ऐसों की खूबसूरती को क्या करना जिन्होंने तुम्हारी माँ जैसी बेमिसाल औरत की नाकदरी की है। और फिर पता सितम तो ये कि 16 साल तक मुड़ के बेटी को पूछा भी नहीं। खाला जी आप ही तो कहती हैं कि झगड़ा हो तो ताली दोनों हाथों से बजती है। और बेटा ये दोनों हाथ एक आदमी के भी तो हो सकते। उन्हें कई कौमी और बैन अल-अक़वामी एजाजात से भी नवाजा गया जिनमें जापान का आला सिविल अवार्ड भी शामिल है। इल्मो आगही और अखलाको मुरव्वत की पैकर 10 फरवरी 2016 को कराची में इस जहाने फानी से कूच कर गयी। जी जनाब फातिमा सुरैया बजिया के हवाले से आपने पैकेज देखा, उर्दू अदब का एक बड़ा ही ज़बरदस्त नाम, अब बहुत ज़बरदस्त सी नावल निगार और आज उनकी 88वीं सालगिरह है। उस मौके पर डूडल ने तो उनको गूगल ने तो अपना डूडल चेंज किया है, उसके साथ साथ हमने भी उनको अपने शो पे याद किया है। इसके साथ साथ जनाब इनके आपके हवाले इनके हवाले से तो आपको बताया लेकिन उसके साथ साथ आपकी सेहत से मुतल्लिक भी हम आपको बताते रहते हैं। और कहा जाता है कि जनाब अगर आप वॉक करते हैं तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं और यही आदत है कि चहलकदमी की जो आदत है हज़ार इलाज से बेहतर है। वर्जिश करना, पैदल चलना और चहलकदमी करना ये तमाम चीज़ें जो हैं आपकी ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हम उस दौर से गुजर रहे हैं या उस टाइम से गुजर रहे हैं जहाँ पर हमारे पास हर चीज़ के लिए टाइम है शायद, पर अपने लिए टाइम नहीं है, अपनी सेहत के लिए टाइम नहीं है। और जितनी हसल वसल रहती है हमारे इर्द गिर्द हम हर वक्त यही शिकायत करते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, कोई काम कह दिया जाए। और ये तो हर डॉक्टर कहता है कि आपकी ज़िंदगी में से फिज़िकल एक्टिविटी जो है बिल्कुल माइनस होकर रह गई है। हम समझते हैं कि हम ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, ये हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी है, लेकिन ऐसा नहीं है। फिज़िकल एक्टिविटी उस तरह से नहीं होती हमारी जिस तरह से होनी चाहिए, चाहे वो वॉक की शक्ल में हो, चाहे वो जिम की शक्ल में हो, या आप वर्जिश कर रहे हों, योगा कर रहे हो, आप जो चीज़ आप कंसंट्रेशन मेडिटेशन के साथ करते हैं मेरे ख्याल से वही इफ़ेक्टिव होती है। और चहलकदमी की आदत जो है अगर आप अपना लें तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। इवन आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रह सकता है, आपकी शुगर नॉर्मल रह सकती है, आपका कोलेस्ट्रॉल बेहतर रह सकता है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी चहलकदमी की वजह से बेहतर हो सकती हैं। जनाब आपको कहा जाता है, ये मैं थोड़े से स्टैटिस्टिक्स भी आपके साथ शेयर करूँ कि जिस्मानी जो वर्जिशें हैं वो ना करने की वजह से जिस्म में लेने वाली जन्म लेने वाली जिसमें जो बीमारियां होती हैं दुनिया भर में सालाना 50 लाख से ज़ायद अफराद जो हैं वो मौत के मुंह में चले जाते हैं। रोज़ाना 1000 जो कदम है अगर आप चलें तो बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप 1000 कदम चलें लेकिन अगर आप आधा घंटा 15 मिनट
एक दिल जमी के साथ वॉक कर लेंगे तो आपकी बहुत सारी बीमारियां जो है कहीं पीछे रह जाती हैं। सेहत को बेहतर बनाने में तो ये बहुत अहम किरदार अदा करती है, लेकिन इसके साथ साथ आपकी जो ज़हनी सलाहियतें होती हैं, जिस्मानी सलाहियतें तो बेहतर करती है लेकिन इसके साथ साथ ज़हनी सलाहियतें उनमें भी इजाफे और जज्बात को कंट्रोल करने में मदद देती है। हमारे यहाँ नॉर्मली डिप्रेशन, एंजाइटी न्यू जनरेशन में, यूथ में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और इसकी एक बड़ी रीज़न ये भी है कि हमारे इर्द गिर्द जो है इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो रही होती है, हम इतनी ज़्यादा चीज़ों में खुद को इन्वॉल्व रखते हैं लेकिन शायद अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते। किसी भी वक्त आप कर सकते हैं, चाहे दिन का वक्त है चाहे रात का वक्त है, आप सुबह मॉर्निंग वॉक करें या आप खाने के बाद रात को 15 से 20 मिनट से आधा घंटा मैक्सिमम आप उसको वॉक कर लें तो जनाब आपकी बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, ये भी कुछ मेरे पास इसमें लिखा गया है रिसर्च के हवाले से कि अगर उम्र रसीदा जो अफराद होते हैं ज़्यादा वक्त सरसब्ज़ शादाब जगहों पर गुजारे तो उनकी कारकर्दगी, दिमागी सलाहियत और इसके साथ साथ उनके मिजाज पर बहुत पॉजिटिव असरात मुरतब होते हैं। और इस तमाम तर सिनेरियो के हवाले से माहिरीन ने रिसर्च भी किया और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि 65 से ज़ायद उम्र के 95 लोगों के जो है उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो चहलकदमी और जो ग्रीनरी में बैठे तो उनकी ज़हनी सलाहियतें वो बेहतर तौर पर काम करती रहीं। और अनफॉर्चुनेटली अब हमारा ग्रीनरी का जो कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म होता चला जा रहा है। नो डाउट हम प्लांटेशन की तरफ दोबारा से आ रहे हैं लेकिन हमें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि आपके जब ग्रीनरी नहीं होगी आपको एक बिल्कुल भी अच्छा सा एहसास नहीं होता। गर्दो गुबार, मिट्टी, हर वक्त आप ट्रैफिक के धुएं में फंसे हैं, मिट्टी में फंसे हैं, ये सारी चीज़ें जो है इफ़ेक्ट आपकी सेहत पर ही करें। तो जनाब ये आपको बढ़ती उम्र में, अच्छा ख़वातीन के हवाले से भी बात कर लें तो ख़वातीन अक्सर कंप्लेन करती हैं कि जी वेट बहुत ज़्यादा हो गया हमारा, हम वेट डाइट कंट्रोल कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं लेकिन हमारे यहाँ वेट कंट्रोल नहीं कर रहा। हर उम्र की अगर खातून है और अगर थोड़ी एज लेटर एज में, लेट एज में भी चली जाएँ तो अगर वो वॉक करती हैं तो आप किसी भी वर्जिश, किसी भी डाइट के ज़रिए जो इतना वेट नहीं कम कर सकती जितना चहलकदमी के ज़रिए वेट कम कर सकती है। तो लिहाजा चहलकदमी को अपनी जो है उसका ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। आपकी हार्मोनल प्रॉब्लम्स है, कोई भी इशूज़ हैं, स्किन हेल्थ, खुदा न खास्ता दिल का कोई मसला है, कोलेस्ट्रॉल का मसला है, ब्लड प्रेशर का मसला है, ये सारे मसले जो हैं इसकी एक सस्ता सा इलाज है और एक आसान सा इलाज है कि आप वॉक करें और वॉक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ज़रूर बनाएं। आजकल हर कोई खूबसूरत दिखना चाहता है और खूबसूरती का ताल्लुक वैसे मौसम से भी होता है क्योंकि मौसम अगर अच्छा हो तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाती है, लेकिन अब नित नए तरीके हैं, नई नई बातें हैं, किसी को अपनी नाक जो है वो इस तरह की चाहिए, किसी को अपना फेस जो है वो बहुत इस तरह से चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हैं ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारे पास डॉक्टर मौजूद होंगे जो हमें गाइड करेंगे, इज अ प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर एस एन रियाज हमारे साथ मौजूद होंगे, उनको वेलकम करेंगे। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। डॉक्टर साहब खूबसूरत लगना है हर एक ने, हर एक की कोशिश है कि हम गोरे भी लगे, खूबसूरत भी लगे, नाक भी पतला हो, होंठ भी खूबसूरत हो, ये सारी बातें जो है आपके पास मसाइल का हल होता है। तो प्लास्टिक सर्जन आपकी डोमेन में तो बहुत कुछ आता है, तो हम स्किन से या फेस से ही आगाज करें उस हवाले से भी बताएं। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो आपने जब मैं आप देख रहा था आपको जब आप इंट्रोडक्शन करवा रही थी एंड यू स्टार्टेड द शो वेरी वेल, आपने एक चीज़ एक सर्वे का जिक्र किया कि जी ग्रीनरी हो और प्लस एनवायरनमेंट अच्छा हो, पोल्यूशन फ्री हो एंड एनजाइटी फ्री एनवायरनमेंट हो, तो इसका सारा इम्पैक्ट जो है ना आपकी स्किन के ऊपर पड़ता है। तो स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी एंड इट कंटेन्स लाइक 16% ऑफ ऑल द ऑर्गन्स, यानी कि सबसे बड़ा एक ऑर्गन है। यानी कि हम ऑर्गन तो सिर्फ यही जानते हैं ना कि लिवर है या किडनीज हैं, या तो एक स्किन एक बहुत बड़ा ऑर्गन है 16%। तो इसके अंदर उतार चढ़ाव, आपका मूड का असर, आपके मौसम का असर, आपके जो सेंटिमेंट्स हैं उसका असर, सारा कुछ होता है। सो आपका नेल, हेयर एंड स्किन, ये तीन कॉम्पोनेंट जो है ना ये आपके सारे चीज़ों को पोर्ट्रे करते हैं। इट्स अ कैनवस रादर, तो नीचे जो अंदर आपके चीज़ चल रही होती है वो एज अ कैनवस आपके ऊपर आ रही होती है। सो हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स जिसके अंदर आजकल नई जनरेशन, पहले हमारे पास एकदम पैराडाइम शिफ्ट आई है कि जैसे पहले 45, 50, 55 ईयर्स की खवातीन आती थी या मर्द आते थे, लेकिन अब वो पैराडाइम शिफ्ट होकर नीचे चली गई है। सो वी हैव गॉट नाउ पेशेंट्स ऑफ 15 years, 17 years, 25 years क्यों, एंड 35 क्या वजह है, क्यों ये सारा जो आपको मैंने बेसिक चीज़ें बताई हैं ये उसकी वजह से, ये एनजाइटी बहुत बड़ा फैक्टर है एंड और ये सारा जो है ना स्ट्रेस रिलेटेड एनवायरनमेंट के साथ आपको आपकी स्किन के ऊपर सारी जो रिफ्लेक्ट कर रहे चीज़ें
وہ آپ آپ کے سامنے آتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. سو اس کے اندر جو بالوں کا ایشو, پھر آپ کے اسکن کا ایشو اور نیل کا ایشو, جو دے آر دا کاسمیٹک اپیئرنس آف یور باڈی. نو ڈاؤٹ. تو اس میں کاسمیسز میں مطلب کہ ایز اے فیمیل آپ بھی ان تینوں چیزوں پہ ہی کانسنٹریٹ کرتے ہیں, کانشس ہوتے ہیں. آپ اپنے بالوں کے لیے آپ ہیئر اسٹائلسٹ کے پاس, آپ اپنے جو اسکن کے کیئر کے لیے آپ بیوٹی پارلرس کا رخ کرتی ہیں, اور نیلس کے لیے مینیکیور اینڈ پیڈیکیور. یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ آپ کے ہمارے سارے. اور پلس دوسری ایک چیز ہے کہ سینس آف انر سیٹسفیکشن, اس کو اٹین کرنے کے لیے آپ بہت سارے کاسمیٹک چیزوں سے گزرتے ہیں. ایک نارمل ایجنگ پروسیس کے ساتھ یا نارمل اسٹیجنگ کے ساتھ آپ کا جو منہ کے دانے نمبر ون, یعنی جس کو عام زمان میں ایکنی بہت زیادہ کامن ہے, وہ مینس کہ ایک نارمل ایج کے اندر نکلتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ اگر بہت زیادہ ایگزیجریٹ ہو جائے, یا آپ کا مینس کہ ہارمون لیولز اور یہ وہ سارا ڈسٹرب ہو, تو وہ شکر اخلاط کر دیتے ہیں اس کی کہ وہ پوسٹ ایکنی سکارز کے اندر. اینڈ کیونکہ ہم لوگ پگمنٹڈ ریس ہیں, تو اس کے بعد اس کے جو آفٹر افیکٹس ہیں وہ ہے پوسٹ پگمنٹری ہائپر پگمنٹیشن یا پوسٹ انفلمیٹری ہائپر پگمنٹیشن. مینس کہ اسکار جو چھوڑتا ہے اس کے بعد آپ کا پگمنٹیشن بھی ہمارے اندر, کیونکہ میلانین ہم لوگوں کے اندر زیادہ ہے ایشین سائڈ پہ, سو اس کی وجہ سے بھی بہت ساری چیزیں آپ کا سفر کرتے ہیں. سو بالوں کے ریفرنس سے انڈیو اسٹائلنگ, جس کو مینس کہ اسٹریٹننگ اور بلو ڈرائنگ اور یہ سارا. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا استری اگر کپڑا کیوں کرتے ہیں, استری سیدھا کرنے کے لیے. سو جب استری کرتے ہیں تو آپ کے جو اس کے جو فائبرز ہیں وہ دے سویل اپ, ٹھیک ہے نا, اینڈ گیوز یو مور استھیٹک اپیئرنس, ٹھیک ہے. تو لیکن جب بالوں کو آپ کرتے ہیں, وہ آپ نے ایک پارٹی کے اوپر جانے کے لیے بہت سارے پیسے تو خرچ کر دیے, لیکن آپ ان لانگ ٹرم یو ہیو ڈیمیج یور ہیئر, ٹھیک ہے. ان سے وہ استری ہے ایک طرح کی, ٹھیک ہے نا, آئرننگ ہے, تو اسے جو اندر جو بایو ڈیمیج ہوتا ہے اندر, وہ یو کین ناٹ ایکسپیکٹ کمپنسیٹ بھی کر سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ آج کل جو اسٹائلنگ کے اندر جو لڑکیاں بہت زیادہ کس کے اپنے بال کھینچ کے بناتی ہیں, بینڈنگ یوز کرتی ہیں, تو اس سے بھی جو ہے وہ ایک چیز سامنے نظر آئی ہے جس کو کہتے ہیں شاک لاس. سو ایک تو نارمل تھننگ ہے ود ایجنگ, لیکن یہ جو پریلیمنری تھننگ ہے اس کو کہتے ہیں شاک لاس. تو وہ آپ نے آپ کے جڑ کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے اور وہ سسٹین نہیں کر پاتا, تو وہ آہستہ آہستہ جڑ جو ہے نا وہ کمزور ہوتی جاتی ہے. مور اوور ڈائٹری انٹیک جو کہ بہت جو ہے نا آج کل کا نیو جنریشن جو ہے وہ تو بالکل ڈائٹری انٹیک کے اندر کوئی خطر کا کوئی انتظام نہیں ہے ان کا. جنک فوڈس آر دیئر, اینابولک اسٹیرائڈس آر دیئر, تو ہر چیز جو ہے وہ آپ کو نگیٹو ڈیزاسٹر کی طرف لے کے جا رہی ہے. سو یہ ان کے سارا کا جو آپ کا آؤٹ کم ہے, تو وہ آپ کا اسکن کے اوپر ہی ریفلیکٹ ہوتا ہے. تو یہ وجہ ہے جو آپ نے جہاں اسٹارٹ ہوا تھا کہ جی یہاں پہ کیا چیز واٹس گوئنگ رانگ, یہ ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں. ڈاکٹر صاحب ہم بات کرتے ہیں طریقوں کی بھی, اگر اسکن کو ہم لے کر چلیں تو بہت ساری ایسی اسکن ریلیٹڈ ایشوز ہوتے ہیں جو ہم فوراً سے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرتے ہیں, ہم اس پہ اپنی ڈائٹ اور یہ چیزیں بہتر نہیں کرتے. اور ویسے بھی ہمیں اب جب کوئی نیا طریقہ مارکیٹ میں انٹروڈیوس ہوتا ہے, ہمیں کوشش ہوتی ہے انر سیٹسفیکشن کی. آپ بات کر رہے تھے, خواتین فوراً سے رش کرتی ہیں ڈاکٹرز کے پاس, تو نئے طریقوں پہ بھی تھوڑا سا اگر ہم دیکھیں. ایک اور پیراڈائم شفٹ یا ایک بہت زیادہ چینج نظر آئی ہے کہ لوگ انڈر نائف میں جانے سے بہت زیادہ گریز کرتے ہیں. سو ایز لونگ, دیکھیں کار ہر ایک کو چاہیے, بالکل پیدل چل رہے بندے کو کار چاہیے, ٹھیک ہے نا, جو کار میں بیٹھے والے اس کو ہوائی جہاز چاہیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایز لونگ کی طرف لوگ جاتے جا رہے ہیں. اسی وجہ سے جب ایز لونگ تک جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ڈسٹربنس میں نے بتائی آپ کو, تو وہ پھر ایسے طریقے ڈھونڈتے ہیں جس کے اندر ان کو جلدی یعنی شارٹ ٹرم میں جلدی کام ہو جائے. بالکل. تو انڈر نائف جانے کا کانسیپٹ اب بہت دیر تک ختم ہو گیا. تقریباً کوئی آپ کا پچھلا جو سروے ہے اس کے اندر تقریباً کوئی اگر 60% انویسو پروسیجرز ہو رہے تھے
تو اب وہ ان کی 30% تک آ گئے ہیں. تو اتنا زیادہ جو ہے وہ پیراڈائم شفٹ ہے کہ اب لوگ کہتے ہیں کہ کوئک سروس ہو, دے آر مور ان ٹو لیزرس, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد کوئی ایسی چیز ہو جس کے اندر ان کا اپیئرنس ایک دم ٹھیک ہو جائے, دے آر مور ان ٹو فلرس جس کو بایو سنتھیٹک فلرس کہتے ہیں, اور ایک اور چیز جو اپنا ہی فلر ہم یوز کرتے ہیں اس کو فیٹ فلرس کہتے ہیں, یعنی کہ مینس کہ اپنی ہی فیٹ کو پروسیس کر کے فل ایز اے فلر یوز کرنا, اس کا ٹرینڈ بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہو گیا, تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ کہ آپ نے اس حوالے سے, اس فیلڈ کے حوالے سے جو لوگوں کے مسکنسیپشنز تھے وہ سارے کلیئر ہو گئے ہوں گے. چیزیں سیف بھی ہیں لیکن جو ایک نیچرل پروسیس ہے آپ اس کو اگر خود سے کر لیں, اپنی ڈائٹ اچھی کر لیں, اپنے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے آپ کو ریمیڈیز بتائی ہیں اگر ان پر عمل کر لیں تو بہت سارے مسائل سے ہم بچ سکتے ہیں. ابھی ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد حاضر ہوں گے, ہمارے پاس نیوز اسٹوریز بھی ہیں جن پہ ہم نے ڈسکشن کرنی ہے. آپ دیکھتے رہیے جاگو لاہور.